हे नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और आज इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के द्वारा बहुत ही आसानी से HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी इमेज हो, कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी टेक्स्ट हो। उसके द्वारा आप अपने वेब पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड अपने एप्लीकेशन में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो वीडियो के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इस बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए तो फिर हम आज का वीडियो जो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे। HTML फाइल को क्रिएट करने के बाद उसको आप कैसे अपने एप्लीकेशन में एंड वेबसाइट में डाल सकते हैं, उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब एंड गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। तो फिलहाल आप अभी यहाँ पे HTML फाइल क्रिएट करना सीखेंगे आसानी से, तो चलिए उसको देख लेते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। अगर आप कोई आईफोन यूज़ करते तो वो भी ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप जाकर आपको सर्च करना है टेक्स्ट टू HTML कन्वर्टर। बहुत सारे एप्लीकेशन है लेकिन ये जो पहले वाला एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना है। बाकी सारी एप्लीकेशंस में सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर लिया। मैं बस ऐप से ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर आपको टाइटल का मिल जाता है, कॉन्टेंट का मिल जाता है। अभी आप कैसे ऐप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आप पूरा वीडियो बस देखते जाइए। कुछ भी पार्ट अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पे सबसे पहले टाइटल आता है, टाइटल आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। टाइटल मैं दे देता हूँ यहाँ पे न्यू। टाइटल देने के बाद हमको यहाँ पे अभी कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट में आप टेक्स्ट, इमेज कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देता हूँ हाउ टू क्रिएट, ऐसे करते हैं एंड इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके इसको ऊपर से डिज़ाइन कर सकते हैं एंड बहुत सारे ऐप्स स्टाइल चेंज वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही आसान है एंड इसके बाद आप नीचे स्पेस छोड़ सकते हैं या फिर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये जो है ये आपके एप्लीकेशन एंड जो वेब में आप डालेंगे उसमें सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब आप यहाँ से आप फोटोग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि ब्लैक एंड वाइट तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे से बहुत सारे कलर यहाँ पे है। कस्टम कलर सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं एंड मैं यहाँ पे अभी देख सकते हैं ऐसे करके कलरफुल टेक्स्ट भी यहाँ से लिख सकता हूँ। तो बहुत ही आसान है जिसके द्वारा आप इस तरह के डिज़ाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो देख सकते हैं इतना अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ऐसे करके आप ऐसे कुछ भी डिज़ाइन ऐप से इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको ऐप कॉपी का ऑप्शन ऊपर देख सकते हैं, कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा एंड ऐप से कॉन्टेंट क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने एप्लीकेशन एंड जो वेबसाइट होता है वहाँ पर जाके सिंपल पेस्ट करके ऐप से वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर ऐप मिल जाता है HTML क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ तो इमेज का हाइट एंड वेट आप यहाँ से कर सकते हैं एंड उसके बाद आप इमेज को यहाँ पे डाल सकते हैं। आप पूरे वेबसाइट की जैसे आप डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस से उस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। बस वो आपको HTML सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल लेवल से बस कॉपी के बटन पर क्लिक कीजिए एंड ऐप से आप सेव भी कर सकते हैं फाइल को, लेकिन आप यहाँ पर कॉपी के बटन पर क्लिक करके अपने वेबसाइट एंड एप्लीकेशन के जो HTML व्यू आप जहाँ पर कराएंगे वहाँ पर जाके पेस्ट कर सकते हैं। देख लिया होगा आपने कितना आसान था, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। तो आशा करता हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक कर सकते, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए।